राधे राधे श्री वचन के श्री सखाओं, भगवान श्री कृष्ण के कई नाम उनके दैवीय अवतारों और उनके द्वारा किए गए विभिन्न भूमिकाओं और कर्तव्यों से उत्पन्न हुए हैं। ऐसे अधिकांश नामों का एक गहरा अर्थ भी होता है। कई सारे भक्तों भगवान श्री कृष्ण को ठाकुर जी कहकर संबोधित करते हैं। दरअसल परंपरा अनुसार ठाकुर शब्द का अर्थ ग्राम प्रधान या किसी कबीले या जनजाति का मुखिया है और उनके साथ जी शब्द एक विशेषण के रूप में प्रयोग होता है जो उनके लिए सम्मान दिखाता है। इसलिए ठाकुर जी शब्द भगवान कृष्ण को संबोधित करने के लिए एक सम्मानजनक उपाधि है जिसका अर्थ है शासक या मुखिया। और सिर्फ भगवान श्री कृष्ण को ही नहीं बल्कि भारत में तो भगवान राम को भी ठाकुर जी कहलाते हैं। पर क्यों? क्योंकि दोनों ही मनुष्य के रूप में अवतार लेने वाले देवता थे। भगवान विष्णु ही इन दोनों अवतारों में मनुष्य के रूप में जन्म लिए थे, पर भगवान शिव या ब्रह्मा जी कभी मनुष्य रूप में जन्म नहीं लिया, इसलिए हम भगवान शिव और ब्रह्मा को ठाकुर जी नहीं कहते। पर बार बार भगवान विष्णु जी को ही क्यों पृथ्वी पर अवतार लेना पड़ता है? किस श्राप के कारण हुआ था उनका ये परिणाम? अगर आप इसके बारे में जानना चाहते हैं तो जरूर हमें कमेंट में बताइए। हम फिर अगले एपिसोड में इस सवाल का जवाब लेकर आएंगे। दोनों देवता मानव रूप में एक पूर्ण मानव थे, अर्थात भगवान विष्णु के बाकी सभी अवतार जैसे मत्स्य या नरसिंह अवतार में वो पूर्ण मानव नहीं थे, इसलिए श्री विष्णु के इन अवतारों को ठाकुर जी नहीं कहा जाता। दोनों ही अपने राज्य के प्रधान शासक गोष्ठी में थे, दोनों राज्य के नेता थे और लोगों को विपत्ति में उद्धार करने के लिए सही मार्ग दर्शाते थे। तो मेरे सखाओ, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो जरूर इसे एक लाइक कीजिए और भगवान श्री कृष्ण के कई और सारे रहस्य के बारे में जानने के लिए आप ये वीडियो जरूर देखिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए। जय श्री कृष्ण।